बिहार में सिर्फ पटना विश्वविद्यालय को दुरुस्त शिक्षा की मान्यता मिली है। इसके अलावा अन्य किसी रेगुलर विश्वविद्यालय में डिस्टेंस एजुकेशन नहीं हो पाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2019-20 सत्र में देश के सभी विश्वविद्यालयों की सूची जारी की है, जिसमें बिहार के सिर्फ पटना यूनिवर्सिटी को रखा गया है। यूजीसी से डिस्टेंस एजुकेशन की मान्यता नहीं मिलने से बिहार के छात्रों का नामांकन ही नहीं हो पाएगा। इससे छात्रों के सामने बड़ा संकट होगा। छात्रों की परेशानी तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ विश्वविद्यालयों के भी आर्थिक रूप से काफी नुकसान होगा। विश्वविद्यालयों में अगस्त तक NAAC मूल्यांकन की वैधता थी, लेकिन कोरोना के कारण इसे 6 महीने आगे बढ़ा दिया गया। फरवरी में VV प्रशासन NAAC मूल्यांकन की तैयारी शुरू करेगी। NAAC केंद्रीय एजेंसी है जो देश भर के कॉलेज और VV की जांच करती है। इसकी जांच में शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षक रिजल्ट, संसाधन, लाइब्रेरी, आधारभूत संरचना को देखा जाता है। डिस्टेंस का भी NAAC करना जरूरी है। पटना यूनिवर्सिटी को छोड़ दूसरे VV की रैंकिंग में बाहर रहे।